नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के री एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। जो मॉडल पेपर नंबर 1 है, ये वॉल्यूम नंबर 2 का है। जैसा आप जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम नंबर 2 है ये, और ये जो मॉडल पेपर है ये हम जो कंप्लीट करने वाले हैं, ये मॉडल पेपर एग्ज़ामपुर के विवेक सर द्वारा लॉन्च किया गया है। वो मॉडल पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसे पूरा हल करवा दूँगा। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो इनके द्वारा जो 10 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं, ये 10ों में कम्प्लीट करवा दूँगा। बट गाइज, अगर आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो, अदरवाइज़ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसी में मैं देख लूँगा कि आप हमारा सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं। अगर सपोर्ट करते हो गाइस, वीडियो में अच्छे से अच्छे व्यूज़ और अच्छे अच्छे से कमेंट्स आते हैं, तो गाइस ये जाहिर सी बात है कि मैं पूरे आपके जो मॉडल पेपर हैं, 10 मॉडल पेपर, ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में चार चांद लगाने का काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। देखिए, यहाँ पर पूरा निर्देश जिस तरीके से पेपर आता है उसी तरीके से इन्होंने छापा है, उसी तरीके से इन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। OMR सीट भी दी गई है, पूरे 150 प्रश्न की OMR सीट है। आप OMR सीट के माध्यम से भी इसको भर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके वॉल्यूम नंबर 2 के सेट नंबर 1 के सवाल को, और आपके सामने पहला सवाल रखते हैं। मेरे प्यारे भाई, जो सवाल है आपका, ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझने में भी आसानी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि विजयवाड़ा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि सीरिया की राजधानी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा, सीरिया की राजधानी जो है ये दमिश्क है, या फिर गाइस कहा जाए तो दमास्कस है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दमिश्क। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1920 से 1922 तक। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ है। आपको ये बताना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था। आप जानते हैं कि वैशाली के कुंड ग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था और पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। अगला सवाल है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाला हरदयाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं, तो मेरे प्यारे भाई आप जितने भी सवाल हैं इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यूरोपीय संघ की जो आधिकारिक मुद्रा है ये यूरो है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 10 मार्च में मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये किन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेरे प्यारे भाई, एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। सवाल है कि गीत अमार सुनार बंगला के रचयिता कौन है? देखिए, अमार सुनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और मेरे प्यारे भाई इसके रचयिता जो हैं ये कौन है? अमार सुनार बंगला जो है ये जो गान है इसको कंपोजर किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता रचना किसने की थी? कहने का मतलब है चंद्रकांता जो है ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की? नहीं। देवी प्रसाद जयशंकर प्रसाद की? नहीं। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देवकी नंदन खत्री की और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी डियर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? जो NH नेशनल हाईवे 44 है ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णिम चतुर्भुज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नागपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए? नहीं। केसर के लिए? नहीं। जूट के लिए? नहीं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संतरा के लिए। नागपुर जो है ये संतरा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इन व्हिच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स लोकेटेड? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थित है सुंदरवन ये किसका उदाहरण है? राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मैंग्रोव वन का। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे उपयोग की जाती हैं? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंफ्रारेड तरंगे यानी अवरक्त किरणें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंफ्रारेड किरणें। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सी बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है, यानी दही का निर्माण करने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? नहीं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस ऑरियस, बैसिलस रेडिसिकोला। देखो, ना तो बैसिलस रेडिसिकोला है और ना ही लैक्टोबैसिलस ऑरियस है। राइट हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। करेक्ट हो जाएगा वी ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। करेक्ट हो जाएगा आपका वी ऑप्शन, दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। अगला है कि मानवाधिकार को वर्गीकृत किया गया है, मानवाधिकार को वर्गीकृत किया गया है एकजुटता अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। राइट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अगला है कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? जानकारी इकट्ठा करना, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण है पासवर्ड को क्रैक करना, पासवर्ड को तोड़ना। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैकिंग पासवर्ड।
अगला है कि सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से डैश सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है, प्रकाशित करना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देश ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। देखो जापान भी है, दक्षिण कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बट गाइस फ्रांस जो है ये सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। आपको बताना है कि किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। अगला सवाल है कि कुंभ का क्या अर्थ होता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंभ का क्या अर्थ होता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्र तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और भी बेहतरीन और इसके आगे के सभी सेट को कंप्लीट करवा सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और अपने मित्र तक इसको शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र मिल करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए कुंभ का अर्थ जो है ये होता है कलश। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कलश ए ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। राइट हो जाएगा 1971। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है। देखो नंदगांव में होता नहीं है, मथुरा में होता नहीं है, वृंदावन में होता नहीं है। राइट हो जाएगा बरसाना में, ऑप्शन वीज करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डीजीपी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डीजीपी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए डीजीपी। अगला है कि परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है। चिकित्सा एवं दवा उद्योग को, खनन उद्योग को, कपास उद्योग को। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को, कृषि उद्योग को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कृषि उद्योग। अगला सवाल है आपके सामने कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। सवाल थोड़ा सा समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंक से ऋण लेती है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाएगा, और अगर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं तो उसे रेपो दर कहा जाएगा या बैंक दर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे राइट हो जाएगा रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे कौन थे 1947 के बाद, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि भारत में जीएसटी शुल्क संरचना कितनी संरचनाएं हैं। देखिए सही आंसर हो जाएगा पांच प्रकार की, कितनी, जीरो, पांच। देखो अगर ये कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी ऐसी दर है जिसे लगभग लगभग नहीं गिना जाता, तो अभी मैं बताऊंगा। पहले देखिए भारत में जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। कौन कौन, 0, 5, 12, 18 और 28। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती। देखो, चीन के साथ भी भारत की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ भी लगती है, लेकिन तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तजाकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई। देखिए, कुमार संभवम, मालती माधव, किरात अर्जुनियम और कुमार संभवम दोनों। राइट हो जाएगा कुमार संभवम, जो है कालिदास की रचना है। किरात अर्जुनियम जो है मेरे प्यारे भाई, ये भारवि की रचना है, ये बात आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कुमार संभवम। अगला है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में है। राइट हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी। आपको बताना है सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राइट हो जाएगा 1784 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 में। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, ये भारत के संविधान के भाग तीन में हैं। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, भाग तीन। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये किया गया था 1951 यानी 1951 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला है कि हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, या भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए, हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है और ये भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। और यह जो है हार्नबिल, ये 10 दिवसीय त्यौहार होता है, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच चलता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अब देखिए, मैं आ गया हूँ हिंदी वाले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 39 से हिंदी स्टार्ट है और 38 तक आपके जीके और जीएस और करंट कंप्लीट हो गए। और मेरे प्यारे भाई, अब मुझे ये उम्मीद लग रही है कि आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी। भाई अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई, एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ऑफलाइन कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 से आपके सामने कि ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो, अचल नहीं होगा यहाँ पे, ना अचल होगा, ना आपका अनंत होगा, ना आपका काल होगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर। अगला है कि बच्चे घर से निकल गए वाक्य में कारक कौन सा है। देखिए, संप्रदान में हो जाता है के लिए, संप्रदान में हो जाता है के लिए, अपादान में हो जाता है निकल गए यानी अलग होने की दृष्टि में। तो यहाँ पे जो अपादान है, ये अलग होने की दृष्टि में दर्शाता है। अधिकरण में पर होता है और करण में से या के द्वारा होता है। तो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, अपादान कारक। तो बच्चे घर से निकल गए यानी अलग हो गए हैं, तो इसमें अपादान कारक होगा, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, चपत और चंपत का अर्थभेद बताना है। देखो, चपत में से चकवा पक्षी नहीं, चपत माने अंतिम नहीं, चपत माने होता है गाइस ये होता है थप्पड़, और चंपत माने होता है गायब। कहते हैं ना कि अभी ज़्यादा बोलोगे तो 2-3 चपत पड़ जाएगा, या फिर कहते हैं 2-3 चपाका पड़ जाएगा। तो चपाका का मतलब क्या होता है, थप्पड़ होता है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सलमा घर जाती है ये कैसा वाक्य है। जो सलमा है ये घर जाती है, ये कैसा वाक्य है। राइट उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य। अब देखिए, निषेधात्मक वाक्य कब होगा, जब इसमें नहीं वाली बात की जाएगी, जैसे कह दिया जाता कि उन्होंने काम करने से मना किया, तो ये हो जाता आपका निषेधात्मक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य है जब किसी को आज्ञा दी जाए, तो वहाँ पे अज्ञार्थक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि आम के पेड़ में पानी डाल दूँ, तो ये आपने आज्ञा दी, तो ये अज्ञार्थक हो गया। इच्छार्थक हो जाता है कि जैसे कहा जाए आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपकी नौकरी लगवाएं, आपको सद्बुद्धि दें, यानी अपने अंदर से जब इच्छा हो कि मैं उनको आशीर्वाद दूं या मैं उनके प्रति उनका जो फ़ायदा ही करवाऊं, तो उन्हें कहा जाता है इच्छार्थक वाक्य। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाए। अगला है कि दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। आपको बताना है कि इसमें से दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो है ये दंतोष्ठ्य ध्वनि है। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया हुआ शब्द कौन सा है? निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हवालात। हवालात जो है आपका ये मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अखिया हरिदर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांचिए, ए बतियां सुन रूखी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? सवाल क्या कह रहा है कि अखिया हरिदर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांचिए, ए बतिया सुन रूखी। अब देखिए अखिया हरिदर्शन की भूखी यानी हरि के दर्शन के लिए आँख जो हैं ये भूखी हैं। भूखी का मतलब मेरे प्यारे भाई कि ये उतावली हैं, दर्शन करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा यानी एक दूसरे से बिछड़ने के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई है भाई, तो वी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें नायक और नायिका का बिछड़ने की बात हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा, और जिसमें हीरो हीरोइन के मिलने की बात हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। अगला है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ अग्रवाल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा अपूर्वा पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिनी पर दिया गया था, और कब दिया गया था ये मुझे आप बताएंगे। अगला है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? अब देखिए अगर इस क्वेश्चंस को देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई ये थोड़ा सा अभी मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको मैं बाद में देखूंगा। अगला है कि आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप भले तो जग भले में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक नहीं, निश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक नहीं। राइट हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, निजवाचक। अब आ गया है गद्यांश, जिसमें आपके 49 से 52 तक के सवाल दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ के और सही उत्तर देना है। आइए मैं गद्यांश को पढ़ लेता हूँ। चेन्नई में आई बाढ़ अब उतार पर है, इस त्रासदी से निपटने में इस शहर ने जिस साहस का परिचय दिया, और जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक बार फिर बचाव के काम में अहम किरदार निभाया, बल्कि कुछ मामलों में तो जान बचाने में भी उसकी भूमिका रही, इसे देखते हुए उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस तमाम अच्छी बातों के बावजूद इस वास्तविकता को भी नहीं छुड़ाया जा सकता कि इस त्रासदी से बचा जा सकता था। चेन्नई में आई बाढ़ की असली वजह थी अडयार नदी बेसिन का नए हवाई जहाज के लिए अतिक्रमण, ठीक उसी तरह जैसे दूसरे नदी विस्तारों का आवासीय निर्माण के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। नदी के कुदरती रास्तों को अवरुद्ध किए जाने से इसका जल आसपास के इलाकों में उमड़ गया। जब तक प्रकृति अपना क्रोध नहीं दिखाती हमारे योजनाकार हर जोखिम को नज़रअंदाज करते रहते हैं और उस चीज़ की तलाश में रहते हैं जिसे वह ले सकते हैं। हमने इसी तरह के विध्वंसक सैलाब मुंबई में भी देखा, कुछ ही समय पहले श्रीनगर में भी ऐसे ही बर्बादी देखी गई। हर जगह मुख्य वजह मिली अनियोजित शहरीकरण और बुनियादी नियमों की अनदेखी, फिर भी हर बार त्रासदी की गंभीरता लोगों की यादों में धुंधली पड़ जाती। चेन्नई की तरह दिल्ली में भी ऐसे सैलाब की संभावना है, इसीलिए हमें यमुना नदी के बेसिन से छेड़छाड़ करने की बुद्धिमानी से बचना होगा। ये गद्यांश गाइस आपने कंप्लीट कर लिया, अब इस गद्यांश पे आधारित सवाल का उत्तर आपको देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अब उतार पर है इसका मतलब क्या है? तो आपने अनुच्छेद पढ़ा और इस अनुच्छेद से आपको पता चल गया कि बाढ़ अब उतार पर है मतलब बाढ़ जो है ये अब घट रही है, तो राइट हो जाएगा बी उत्तर। अगला है कि मुंबई श्रीनगर जैसे स्थानों में बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे का कारण क्या था? अभी आपने पढ़ा अनियोजित शहरीकरण, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आपको बताना है कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा जो आपने अभी अनुच्छेद पढ़ा। अगर इसका आप शीर्षक एक निकालना चाहो तो इसका एक सबसे और उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? राइट हो जाएगा प्रकृति का कहर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं? सरकार पर दबाव न बनाया जाए, प्रकृति अपना क्रोध न दिखाए, जनता जागरूक ना हो जाए, समस्या हल ना हो जाए। देखो अगर इस अनुच्छेद के अनुसार कहा जाए तो योजनाकार जो हैं
ये जब तक प्रकृति अपना क्रोध न दिखाए तब तक वो लोग अपने योजना के अनुसार काम नहीं करते हैं, लापरवाही करते रहते हैं। तो राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जब तक प्रकृति अपना क्रोध ना दिखाए, तो राइट हो जाएगा बी उत्तर। अगला है कि इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए यहाँ पे राइट हो जाएगा वृद्धि, सैलाब, विकास, ये सब, लेकिन दुर्बल जो है ये बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। अब देखिए वाक्य की संरचना के आधार पर कह रहा है, वाक्य संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं 5 होते हैं, जिसमें से एक आपकी संयुक्त क्रिया भी होती है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, संयुक्त क्रिया 54 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया बता रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, हमसे सवाल कह रहे हैं वाक्य संरचना के आधार पर, तब वाक्य संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया ही होगा, वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके आपको उत्तर देना है। देखिए भाई की शादी पर दीपक जो है ये उल्लास से भरकर नाचने लगा। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन, उल्लास से भरकर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली। कुंडली जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि वचन, प्रहार, सर्प, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, तो कुंडली आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला है कि शाखा का बहुवचन क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा शाखा का बहुवचन। देखिए जो शाखा का बहुवचन है ये क्या है, शाखा का बहुवचन शाखाएं हो जाएगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, कनुप्रिया जो है इसके रचनाकार कौन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। राइट हो जाएगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है, अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का, यानी कि जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, क ख ग घ अंग, तो अंग जो है पंचम वर्ण है। च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, तो च छ ज झ ई, तो यह हो जाएगा आपका च वर्ण का। तो पंचम वर्ण जो है अनुस्वार का काम करता है। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60 का, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, इसमें अर्ध विराम चिन्ह लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अर्ध विराम। अगला है कि तरिण तनुजातट तमाल तरुवर बहुछाए, झुकै कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, थोड़ा सा समझने के बाद दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए अगर ऊपरी पंक्ति में कहा था कि इसमें कौन सा अलंकार है, तब आप कह सकते थे कि अनुप्रास अलंकार है, बट सवाल क्या कह रहा है कि झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इसमें आपको बताना है दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्तरपरीक्षा हो जाएगा भैया, क्योंकि पहले में तो अनुप्रास है, ठीक है, लेकिन दूसरे में पूछ रहा है तो दूसरे में उत्तरपरीक्षा होगा ना। तो मन मानो मनहु, जन उजानो जनहु, ये सब जो है किसके वाचक शब्द है, उत्तरपरीक्षा अलंकार के हेतु है, संभावना व्यक्त की जाती है। पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है, पंकज में बहुव्रीहि समास है। संधि का तद्भव रूप क्या होगा, संधि का तद्भव रूप क्या होगा। और मेरे प्यारे भाई अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो देखिए जो संधि का तद्भव है सेंध हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से। अगला सवाल है कि रौद्र का अस्थाई भाव क्या है, रौद्र का अस्थाई भाव क्या है। सही उत्तर हो जाएगा क्रोध, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि चारण काव्य की भाषा क्या है, चारण काव्य की भाषा क्या है। देखिए चारण काव्य की भाषा जो है ये अवहट्ठ है,
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अवाहट्य। अगला है आपके सामने कि मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें, मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वक्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्री। तो मार्गी शब्द का जो विलोम है ये वक्री हो जाएगा। अगला है कि संकट में पड़ने का अर्थ इसमें से किस मुहावरे का प्रयोग होता है, जान से हाथ धो बैठना तो इसमें गाइस मृत्यु हो जाना, जान में जान आना यानी होश में आना, जान हथेली पर रखना संकट में पड़ना, और जान के लाले पड़ना इसमें से बताना, जान की हथेली पर रखना यानी कि मतलब मृत्यु मोल लेना, और जान के लाले पड़ना ये हो जाएगा संकट में पड़ना। तो राइट हो जाएगा डी आंसर। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय बताइए, शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय। देखिए अगर आप शिकारी का प्रत्यय निकालेंगे तो शिकार जो है मूल शब्द हो जाएगा और इसमें ई प्रत्यय लगकर शिकारी शब्द बन जाएगा। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, शिकारी में ई प्रत्यय लगा है। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है कि निर्वासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन निर, निर और र के नीचे हलंत होना चाहिए तो निर्वासन शब्द में निर उपसर्ग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है, मैं बैठ जाता है, बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। तो राइट हो जाएगा सी आंसर, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। अगला है कि प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द होगा, प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्राणातांक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राणातांक। अगला है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा देखिए गाय जातिवाचक है, मनुष्य भी बहुत सारे हैं, नदी भी बहुत सारी है, लेकिन गंगा जो है जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक है, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द, देखिए कार्यक्रम भी सही नहीं है, गृहस्थ भी सही है नहीं है, निरस्ता जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है, सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद कौन सा है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, इसमें आपको बताना है थोड़ा जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 है कि पुनीत कपड़े धो रहा है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, पुनीत कपड़े धो रहा है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। देखिए पुनीत जो है कपड़े धो रहा है, राइट हो जाएगा इसमें कर्तवाच्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपके जीके और हिंदी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, बाकी बचता है आपका रीजनिंग, इसके बाद बचता है आपका मैथ। तो मेरे प्यारे भाई रीजनिंग मैथ जो है ये भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये वीडियो मैं आज यहीं पे समाप्त करूंगा और इसके बाद मैं आप सभी के फीडबैक को देखूंगा, आप सभी के जिस तरीके से सपोर्ट मिलेंगे, जिस तरीके से आप गाइज इस वीडियो को प्यार और इस क्लास को लाइक करेंगे उसी के हिसाब से आगे आपकी जो क्लासेज हैं अपडेट होती रहेंगी। तो भाई अगर आपको ये क्लास डेली चाहिए और पूरे 10 के 10 मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना और गाइज सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे भाई आप प्लीज़ एक बार अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना और उसके बाद आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर गाइस आपको ये अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं अपने खुद से OMR सीट पे हल करूं तो गाइस आप इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, एग्जामपुर की है, ठीक है, वहां से भी आप मंगा सकते हैं, ओके। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से नहीं मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से दर के साथ लगे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, जय हिंद जय।